जब वो अपने काफिले से बाहर आए थे। अब उसी तरफ एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश कि उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जनता जो है वो भी बड़ी संख्या में निकले, रिकॉर्ड नंबर्स में निकले और अपने मताधिकार का यहाँ पर इस्तेमाल करें, ये एक मैसेज है इन तस्वीरों में। और साथ ही जो उनके समर्थक जो मोदी मोदी के चांस अक्सर प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ पर सुनाई देते हैं, यहाँ पर उनके अभिवादन को प्रधानमंत्री स्वीकार भी कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, नमस्कार भी कर रहे हैं। और साथ ही जो जो स्याही का मार्क है वो भी लोगों को दिखाकर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप भी अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और बार बार यही अपील की जाती है, जी न्यूज़ के माध्यम से भी हम आपसे लगातार यही अपील करते हैं कि आप अगर इन 93 विधानसभा सीटों में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटर हैं तो आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और इस वक्त अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो जो तस्वीरें हैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा बात हो रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस वक्त है केंद्र में। और प्रधानमंत्री अब अपने जहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। पोलिंग स्टेशन के भीतर किस तरह से जो लोकल्स वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी प्रधानमंत्री का वहां पर अभिवादन किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री की इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये लाइव तस्वीरें हैं जो जी न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री अपने समर्थकों के बीच से गुजरते हुए, और देखिए ये वो तस्वीर है जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले उन्होंने अपने साइन किए, स्लिप ली और साथ ही जो स्याही उंगली पर लगाई जाती है वो स्याही लगवाई और फिर अपना वोट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर द्वारा कास्ट किया गया। उसी की एक तस्वीर अपने स्क्रीन के एक तरफ आप देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मताधिकार जब प्रधानमंत्री ने उसका इस्तेमाल किया थोड़ी देर पहले की तस्वीर, ये तस्वीर जो है ये एकदम लेटेस्ट तस्वीर, सबसे ताज़ा तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को आप चलते हुए देख पा रहे हैं। SPG का सुरक्षा कवर उनके इर्द गिर्द और साथ ही सड़क के दोनों ओर उनके समर्थकों की भी यहां पर मौजूदगी है। महेश जी, छोटे से कमेंट में चाहती हूँ, तस्वीरें हम प्राइम मिनिस्टर की दिखा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो जनता है उसे भी इस बात के लिए मैसेज देते हुए, संदेश देते हुए कि मैंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर करिए। जी बिल्कुल अदिति, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व है और इस पर्व में गुजराती लोगों के लिए, गुजराती भाइयों के लिए ये चुनाव जो है वो चुनाव है। वहाँ गुजराती लोगों के लिए किस तरह से वो महंगाई, बेरोजगारी जिन लोगों को मुद्दा बनाया जा रहा है क्या वो उस पर वोट करने जा रहे हैं, या विकास और सुशासन जिसकी बात BJP करती है उस पर वोट करने जा रहे हैं, या निश्चित रूप से दोनों चीज़ों के बीच में गुजराती गर्व और इस पर्व में चुनाव है महंगाई, बेरोजगारी और विकास के बीच में। और केजरीवाल जी जिस चीज को मुद्दा बनाने वहां पर गए थे कि आम आदमी पार्टी वहां कोई टक्कर दे पा रही है नहीं दे पा रही है, ये वहां पर देखना होगा। कांग्रेस वो तस्वीरें किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री द्वारा जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार। ये प्रधानमंत्री CI वाला जो मार्क है जैसे बैज ऑफ ऑनर लोकतंत्र में कहा जाता है उसे दिखाते हुए जो उनके समर्थक हैं, और कहीं ना कहीं एक अपील इसमें कि आपने भी अगर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। निशान पब्लिक स्कूल है ये जहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। जो तस्वीरें एक तरफ आप प्रधानमंत्री के समर्थकों को देख पा रहे हैं स्क्रीन के एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री पोलिंग स्टेशन से बाहर निकले और जो उनके समर्थक थे सड़क के दोनों ओर पोलिंग स्टेशन में जाने से पहले भी और पोलिंग स्टेशन से बाहर आने के बाद भी समर्थकों की बड़ी संख्या में वहां पर मौजूदगी है। और एक और तस्वीर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया वहां पर निशान पब्लिक स्कूल जहां पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। और मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार वहीं पर मौजूद हैं, उनसे और जानकारी और इंफॉर्मेशन हम लेंगे।
लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मैसेजिंग की बात की जा रही है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जो 2014 में आई थी प्रधानमंत्री मोदी की और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की भी, और फिर जब 2017 में गुजरात असेंबली के लिए वोट हुआ था वो तस्वीर भी हमने प्रधानमंत्री की आपको दिखाई। तो इस वक्त दो तस्वीरें, एक तस्वीर वो है जब प्रधानमंत्री द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया और दूसरी तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मताधिकार का इस्तेमाल कर पोलिंग स्टेशन के बाहर आए हैं तो अपने समर्थकों के बीच से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री की ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें वो जो उनका बैज ऑफ ऑनर है लोकतंत्र में वो दिखाते हुए अपने समर्थकों को और साथियों ने प्रेरित करते हुए कि आप भी निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ है। रविंद्र कुमार, इस वक्त प्रधानमंत्री कहाँ पर है और साथ ही हम उनके समर्थकों को बड़ी संख्या में देख पा रहे हैं सड़क के दोनों ओर? देखिए अभी आदिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बड़े भाई सोमा भाई से मुलाकात करने आए हुए हैं जहां पर, और जैसा कि आपने देखा तस्वीरों में भी देखा कि वोटिंग करने जाने से पहले वो अपनी गाड़ी से उतरे थे। ये जो घर है नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमा भाई का घर है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी, जाहिर सी बात है जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर बड़ी देखने। तो रविंद्र जहां पर मौजूद हैं वहां पर जाहिर तौर पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी है। हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री करीब 8:45 पर राजभवन से निकले, गांधीनगर में राजभवन था, अहमदाबाद राने पाना था निशान पब्लिक स्कूल जहां पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। प्रधानमंत्री वहां, ये प्रधानमंत्री ने जब मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया, वोट डाल लिया, उसके बाद की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जैसे कि मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार आपको बता रहे थे, रविंद्र आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री इस वक्त अपने बड़े भाई से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये एक तरफ उनके भाई का घर और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर बाहर निकले हैं तब की तस्वीर। इन छह तस्वीरों में आपको पूरी ये जो खबर है समझ आ जाएगी। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा, करीब 200 मीटर प्रधानमंत्री पैदल चले, सड़क के दोनों तरफ उनके समर्थक थे, लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे पोलिंग स्टेशन में, मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने वहां पर किया, जो वोटर की लाइन थी उसमें वो खड़े हुए और फिर मताधिकार का इस्तेमाल कर वो बाहर निकले और फिर पैदल चलकर ही वो अपने भाई से मुलाकात के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं, बड़े भाई से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा लगातार ये अपील की गई है कि वोटर भी बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। प्रदीप कौशल जी, जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं प्रधानमंत्री खुद ये दिखाने की कोशिश करते हैं जब मैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता हूं तो आपको भी बड़ी संख्या में निकलना चाहिए, तो इसमें मैसेज जो है वो काफ़ी डीप होता है और जो जनता है उसके लिए भी प्रेरणादायी होता है। जी, वो प्रेरणा तो अपनी जगह है लेकिन उसका जो राजनीतिक संदेश है वो बहुत दूर तक जाता है। और क्या, अब चुनाव है तो चुनाव में सभी दल अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई विषय उछालते हैं, उसको मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर एक नया विषय दूसरी तरफ से आता है जो पहले विषय को निरस्त करता हुआ वो घर करता है। लेकिन मतदान का जिस समय एकदम क्षण आता है उस समय अंतिम विषय क्या है लोगों के सामने वो प्रभावित करता है निर्णय को। तो प्रधानमंत्री की वहाँ जो मौजूदगी है वो गुजरातियों को बार बार ये याद दिला रही है कि देखिए मैं हूँ, मैं मांग रहा हूँ, मैं ब्रांड हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, मुझे सामने रख कर के मतदान कीजिए। प्रधानमंत्री का जो प्रवास है वहाँ पर, जो इस समय प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और उनका अभिवादन करते हुए जो दिखाई दे रहे हैं ये मतदाता को दूर दूर तक प्रभावित करेगा। उसके अंदर जो गुजराती का आत्मगौरव है, जो उसका उसकी जिसको प्राइड कहते हैं, जो उसका स्वाभिमान है, वो कहीं ना कहीं उसको उद्वेलित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।